मैं जब मंच पर आया, सरदार साहब की प्रतिमा को फूल चढ़ा रहा था, एक पल के लिए मैं भीतर से कुछ और अनुभव करने लगा। आया तो हूं शिक्षा के प्रांगण में, कार्यक्रम भी शिक्षा से संबंधित है, लेकिन सरदार साहब की प्रतिमा के सामने खड़े रहते ही मन में एक विचार आया, क्या हम सब सरदार साहब की प्रतिमा को पुष्प चढ़ाने के योग्य है क्या? जिस सरदार साहब ने देश को एक और अखंड बनाया, उसी देश को जिस प्रकार से तोड़ा जा रहा है, सरदार साहब की प्रतिमा के सामने खड़े रहते ही मुझे चीखता हुआ मुंबई की आवाज सुनाई रही है। यह आतंकवाद का नासूर कितने लोगों की जिंदगी तबाह करता रहेगा, कितने निर्दोष लोग मारे जाएंगे, पल भर विचार आया कि काश आज सरदार साहब होते तो निर्दोष नागरिकों का खून नहीं बहता, और अगर बहता तो आतंकवादियों का बहता। अगर आज सरदार साहब होते तो जेलों में मौज कर रहे आतंकवादी आतंकवादियों के लिए प्रेरणा मूर्ति न बनते, वो कब के फांसी पर लटक जाते। काश सरदार साहब होते या सरदार साहब की नीतियां होती तो देश के 120 करोड़ नागरिक सुरक्षा की अनुभूति कर सकते। पिछले कुछ दिनों में, कुछ घंटों में आतंकवादी घटनाओं की तरफ देखने का किसका क्या नजरिया है, ये देश ने टीवी के माध्यम से देखा है, सुना है। जो लोग ऊपरी सतह पर चर्चा करने के आदि हैं, वे सिर्फ ऐसे समय ऐसा क्यों बोला, ऐसे समय उस नेता ने ऐसा क्यों कहा, इसकी चर्चा कर रहे हैं। उस चर्चा का अपना उपयोग होगा, लेकिन मुद्दा यह नहीं है इन लोगों ने ऐसा क्यों बोला। इनके वाक्यों से पता चलता है, उनकी भाषाओं से पता चलता है, आतंकवाद के प्रति देखने के उनके दृष्टिकोण से पता चलता है, ये उनकी सोच उनके जहन में है। अब जब तक यही सोच उनकी रगों में है,
उनके जहन में है ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का सोच भी नहीं सकते। मैं नौजवानों के बीच आया हूं, मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं दोस्तों कि आप अपना भविष्य आतंकवादियों के भरोसे छोड़ने के लिए तैयार है? देश इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। नक्सलवाद निर्दोषों को मौत के घाट उतार रहा है, आतंकवाद देश को तबाह कर रहा है। और एक मुहिम चली है जिस मुहिम में मानव अधिकारों की चर्चा जरा भी नहीं है, आतंकवादियों के मानव अधिकारों की चर्चा हो रही है। अगर वो मानव होता तो आतंकवादी कभी नहीं होता। भाइयों, जो मानव नहीं होता है वही तो आतंकवादी होता है, और उसके मानव अधिकार होते हैं क्या? किसी पांचवी छठवीं की स्कूल के बच्चे को भी पूछ लो कि जो मानव नहीं है उसका मानव अधिकार हो सकता है क्या? पूछो जरा। सातवीं कक्षा का बच्चा भी बताएगा नहीं हो सकते, लेकिन दिल्ली में बैठे हुए लोगों के पास समझ नहीं आती है जो सातवीं कक्षा के बच्चों को समझ आती है। नहीं होती जी जब सरदार पटेल की याद ना आती, एक खालीपन महसूस होता है। देश को दिशा देने के लिए दिल्ली में सामर्थ्य नहीं रहा, वो अपनी दशा में उलझे हुए हैं। आपको हैरानी होगी मित्रों, हिंदुस्तान की सरकार इन दिनों पूरी शक्ति लगाए हुए है कम्युनल वायलेंस के बिल पर, ड्राफ्ट बन रहा है। मैडम सोनिया जी की एक एडवाइजरी काउंसिल है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो ड्राफ्ट तैयार कर रही है और वो ड्राफ्ट पार्लियामेंट में लाने की कार्रवाई चल रही है। और उस ड्राफ्ट बिल को आप इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप पढ़ोगे तो आप 50 बार सोचोगे कि अब इस देश में रह सकते हैं क्या? ऐसा बिल बनाया जा रहा है। उसमें मान लिया गया है कि इस देश में कोई भी कॉम्युनल वायलेंस होगा तो मेजोरिटी ही जिम्मेवार होगी, वहीं से शुरू किया है। यह दिल्ली की सल्तनत को कम्युनल वायलेंस के संबंध में बिल बनाने के लिए समय है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कोई कानून बनाने के लिए फुर्सत नहीं है। अब तब पीड़ा होती, सारे विश्व ने आतंकवाद के खिलाफ कड़े से कड़े कानून बनाए। अमेरिका जो दुनिया में अपने आप को ह्यूमन राइट का चैंपियन कहता है, उसने भी आमूलचूल अपने कानूनों में परिवर्तन कर दिया। एक गहमी लोग जो बने बनाए कानूनों को भी निकाल करके आतंकवादियों को इशारा कर रहे हैं, मौज करो दोस्तों, यहां कोई दिक्कत नहीं। और इसलिए भाइयों बहनों,
आते ही मुंबई की चीख सुनाई देना बहुत स्वाभाविक था। इसी भूमि से आवाज उठानी पड़ेगी, इसी भूमि से आतंकवाद को ललकारना पड़ेगा, इसी भूमि से आतंकवादियों के प्रति नरमास बरतने वाले लोगों को भी ललकारना पड़ेगा। वरना भाइयों बहनों, आप कल्पना कर सकते हैं आपका भविष्य क्या होगा, नौजवानों का भविष्य क्या होगा। मैं तो आज एक सभागृह के एग्जामिनेशन हॉल, वैसे वो मल्टीपर्पज हो सकता है ऐसा मुझे लगा, कई कामों में आ सकता है, काफी अच्छा बना है, जो एग्जाम लेने वाले हैं उनके लिए तो खुशी का पार नहीं है, देने वाले का क्या होगा, क्योंकि उस पर हर चेयर पर सीसीटीवी कैमरा लगा है। बेचारे को नाक साफ करना होगा तो भी सोचेगा कहीं कैमरे में हाथ नहीं जाऊं क्या, हम नेताओं को परेशानी होती है, 24 घंटे कैमरा लगे रहते हैं, हम सोचते हैं कैसे आंख भी साफ करें तो नहीं कर पाते, अरे कर दिया तो वही अखबार में दिखाया जाता है, कैसे हम 24 घंटे वही काम करते हैं। एग्जामिनेशन की अच्छी व्यवस्था, वो विद्यार्थियों के लिए हमेशा उपकारक होती है, उनके गार्डियंस और उनके पेरेंट्स के लिए भी अच्छी होती है, वो सिर्फ दिक्कत का कारण उन लोगों के लिए होती है जो विद्यार्थी नहीं है। जो सिर्फ डिग्री पाने के जुगाड़ में लगे रहते हैं, ये डिग्री पाने के जुगाड़ में जो लगे रहते हैं उनको परेशानी होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन जो सच्चा विद्यार्थी है उसको परेशानी इस बात की होती है कि मैं 12-12 15-15 घंटे तक मेहनत करता हूं, घर में कोई अच्छा अवसर हो तो जाता नहीं हूं, यहीं लगा रहता हूं, नींद ना आ जाए इसलिए खाना छोड़ देता हूं, लाइब्रेरी में हर किताब को खोजता रहता हूं, इंटरनेट पर सर्फिंग करके नए नए विषयों को खोजता रहता हूं, लेकिन जब एग्जाम आती हैं तो चोर लुटेरे आगे निकल जाते हैं, मैं पीछे रह जाता हूं, उसको पीड़ा इस बात की होती, उसको पीड़ा इस बात की होती। और मैं मानता हूं कि शासन का यह दायित्व है, व्यवस्था का यह दायित्व है, जो सच्चे ईमानदार मेहनत कस विद्यार्थी हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। चोर लुटेरे लोग उसको यही छोड़ करके चले जाए और फिर वो कॉलर ऊपर करके घूमते हैं, क्यों बेटे पिछले साल तो बहुत मेहनत करता था, कैंटीन में भी आता नहीं था, खेल के मैदान में दिखता नहीं था, नई फिल्म आई तो भी कभी गया नहीं, और कहता था बाद में सीडी निकाल के देख लूंगा एग्जाम पूरी होने के बाद, क्या हुआ देखो हम घूम रहे थे ना, देखो सर्टिफिकेट क्या, और उसको बेचारे को साल भर पीड़ा होती है। और इसलिए जो सही अर्थ में मेहनत करते, जो साच अपना शिक्षा के लिए अपने आप को खपाए हुए हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये व्यवस्था है।
उनको न्याय दिलाने के लिए, उनके भीतर एक विश्वास पैदा करने के लिए है। अगर सही अर्थ में जो पढ़ाई करेगा उसको पूरी तरह न्याय मिलेगा, इसके लिए व्यवस्था है। और इस अर्थ में यह व्यवस्था उपकारक है, उपयुक्त है। मैं कुलपति जी से कह रहा था, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम चाहें तो एक दिन में 3 शिफ्ट के भी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम ले सकते हैं नौकरी के लिए, जो क्योंकि आप लोगों को साल में 2 या 3 एग्जाम देनी होती है, बाद में पड़ा रहेगा ये मामला। अब मैं साहब हर चीज का 50 बार उपयोग करने वाला इंसान हूं, मैं अहमदाबादी हूं और हम अहमदाबादी सिंगल फेयर डबल जर्नी वाले होते हैं। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका कोई ज्यादा उपयोग होना चाहिए। तो मैंने कहा कि आप सरकार के साथ एमओयू कीजिए और सरकार को जो नौकरी के लिए एग्जाम चलती ही रहती है सरकार में, तो उस एग्जाम के लिए अगर ये सेंटर के रूप में विकसित करें तो आपके एग्जाम के बाद जो वो खाली पड़ा रहता है तब वो एग्जाम भी हो जाए। और मैंने सुझाव दिया है कि क्यों न हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहां डेवलप करें। अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन का हम सेंटर डेवलप करें तो कई, जैसे रेलवे वालों को भी एग्जाम लेनी होती है, उनके जब रिक्रूटमेंट होता है, आ जाओ भाई यही कर लो अपना, हम व्यवस्था दे देंगे, यूनिवर्सिटी को पैसा मिलेगा, उन पैसों से विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, तो हर एक को फायदा है। तो हर विकास का मल्टीपल यूटिलिटी होती है, हम इसका लाभ उठा सकते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से लाभ उठा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ये व्यवस्था सच्ची और न्यायी प्रवृत्ति करने वालों के लिए उपकारक बनेगी और कठिनाइयां पैदा कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए कैमरा बराबर काम करता रहेगा। अब कुछ लोग जरूर आज वो एग्जामिनेशन हॉल देखने जाएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे यार मोदी जी ने सब कहा है तो खोजो यार रास्ता कहां से निकलता है। वो एग्जाम के लिए टाइम नहीं देगा, लेकिन वहां कैमरा बंद करने के लिए क्या किया जा सकता है उसके लिए एक दिन लगा देगा। च्युइंगम लगाएंगे तो काम चलेगा क्या? मैं वो प्रणवदा वाली च्युइंगम की बात नहीं कर रहा हूं, पता है ना, मालूम है ना प्रणवदा की च्युइंगम? अरे पूरा देश जानता है दोस्तों, भारत के वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री को शिकायत की है कि मेरे दफ्तर में और मेरे घर में 22 जगह पर च्युइंगम पाई गई है, और फिर आरोप लगाया है कि कोई बगिंग कर रहा था और बगिंग के इंस्ट्रूमेंट उस च्युइंगम के अंदर डाले हुए। देश के वित्त मंत्री की दशा, हम अपने साथियों पर उनको भरोसा नहीं है। मैं तो आओ हम सब मिलके स्वयं का भी विकास करें, एक ऐसी होनहार युवा पीढ़ी तैयार हो जो भारत के भाग्य को बदलने के लिए एक शक्ति के रूप काम आए, और सरदार पटेल की धरती से जो नौजवान तैयार होगा वो देश की किस्मत को बदल देगा। तो ये कसौटी के लिए बना हुआ ग्रह देश के किस्मत को बदलने के लिए काम आए, इन शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।